हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटीन गुरु। आज हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होना चाहिए?
इंक्रीज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर फ्लो करेंगे, लेकिन आपको डायमेंशन में याद रखना है कि डायमेंशन में हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द डायमेंशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी अगर आप डायमेंशन को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे। इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो गया? ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, तो आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में पढ़ा था इन केस ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस आपने पढ़ा था लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट, वो इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। फर्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा था। तो देखो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ता है वैसे वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, और एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस वॉल्यूम इज मोर इंक्रीज, है ना, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा तो इसका मतलब डायमेंशन इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते हैं, ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमेशा इंक्रीज होंगे। तो ये बात समझ आई, एक बार दोबारा समझ आई। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन का मतलब क्या है, किसी चीज को डायल्यूट करना है, यानी उसके वॉल्यूम को बढ़ा देना दूसरी लिक्विड को मेनली वाटर को उसमें मिक्स करेंगे। तो जब भी हम वाटर को मिक्स करेंगे तो देखो द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस की, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कापा इनटू वॉल्यूम या इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कापा इनटू वॉल्यूम, तो कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मोर रेट से इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू कापा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कोलरॉस लॉ की। तो कोलरॉस लॉ में कोलरॉस ने बोला था कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पर इनफाइनाइट डायमेंशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजर करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा इक्वल सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डायमेंशन, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायमेंशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डायमेंशन, यानी अगर मैं इनफाइनाइट डायमेंशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करता हूं तो वो इक्वल होगा इनफाइनाइट डायमेंशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी इस लॉ में ये कहा गया। और अगर हम मैं बात करूं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायमेंशन, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायमेंशन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन इनटू इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस।
इज एन इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ कैपिटल, यानी एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन। ठीक है, तो अगर आप मोलर कंडक्टर से इनफाइनाइट डायमेंशन निकालेंगे तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और अब अगर आपको कंडीशन दी हुई है कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डायमेंशन पे और आपको मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायमेंशन पे रखा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ एनायन इनटू 1 अपॉन जेड ए, वेयर जेड ए होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन ए, यानी एन एन आई। ठीक है, प्लस लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन इनटू 1 अपॉन जेड सी, और जेड सी क्या होगा, जेड सी होगा आपका चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। ठीक है, यानी जेड ए और जेड सी क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। अब इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हम एक न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे कोरस लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एयर थ्री पॉजिटिव एंड SO4 टू नेगेटिव एट इनफाइनाइट डायमेंशन इज 189 एंड 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ एयर टू SO4 का बोथ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आंसर में बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको कैटायन और एनायन का इनफाइनाइट डायमेंशन के कंडक्टेंस गिवन है, लेकिन कौन सा कंडक्टेंस गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, और वो हम आंसर बता लेंगे इनकी यूनिट गिवन है। तो यूनिट क्या है, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स यानी आपको इनफाइनाइट डायमेंशन पे मोलर कंडक्टेंस गिवन है। तो कैटायन का कितना है, 189, और अगर मैं इनफाइनाइट डायमेंशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन की बात करूं तो कितना है, 160। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता है, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन का फॉर्मूला होता है एम इनटू लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ एनायन प्लस एन इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। ठीक है, कि यही होता है, लेकिन हमें मोल्स पता है क्या, एनायन और कैटायन के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो एयर टू एसओ फोर का बोथ फेज है इसको ब्रेक करेंगे, तो एयर टू एसओ फोर का बोथ फेज, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, टू एयर पॉजिटिव प्लस एयर थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री एसओ फोर टू नेगेटिव बनेगा। तो अब अगर मैं मोल्स की बात करूं तो क्या एनायन के टू मोल है कैटायन के, तो क्या कैटायन के टू मोल है और एनायन के थ्री मोल्स है, तो मोल्स को यहां पर पुट करो, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन किसकी इक्वल होगा, एम मोल ऑफ एनायन 3 * एनायन का मोलर कंडक्टेंस कितना है 160 प्लस कैटायन की बात करें मोल्स कैटायन के 2 है और कैटायन का मोलर कंडक्टेंस कितना है 189। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 858। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका
लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए अगर मोलर कंडक्टेंस गिवन होता है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वाला, 1 अपॉन जेड सी इनटू लैम्डा इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस 1 अपॉन जेड ए इनटू मोलर कंडक्टेंस इन सारी डायरेक्शन ऑफ एनआयन। तो जरा ध्यान से देखो, जेड सी एच, जेड सी का चार्ज ऑन कैटायन, तो यहां पर कैटायन में कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। देखो 2 इनटू 3 मिलिंग में, खाली ऊपर वाला चार्ज ही हमें ध्यान देना है बस। बहुत ज्यादा गलती होती है, हम इनटू 3 करते हैं आंसर आता रहता है, इनटू 3 हम करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर जो चार्ज ऊपर भेजेगा आप उसे उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन zc कैटायन का चार्ज कितना है, 3, और लैम्डा m ऑफ कैटायन कितना है, 189 प्लस za, za का चार्ज कितना है, 2 इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन कितना है, 160, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आएगा आपका आंसर, समझ आया। तो इस तरह से हम कोनरोज लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो भी आप कॉम्पिटिशन है तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, नोट करिए। और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोनरोज लॉ, कोनरोज लॉ की एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट मोलर रिलेक्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर और इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस कैसे निकालें, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो हम एक पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है CH3COOH, ये क्या है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, याद रखिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन होगा, हमेशा जो गिवन होगा वो होगा लैम्डा इंफिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, हमें दे दिया CH3COONa, ये टाइप का क्वेश्चन है ना, वो हमें निकालना है, इसकी कुछ वैल्यू गिवन होगी सपोज x, दूसरा में दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, अगर HCl दे दिया है तो इसकी वैल्यू हमने मान ली y, थर्ड हमें दे दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू हमने मान ली z, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये तीनों जो होते हैं ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही यूज करके हमें इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लूं CH3COONa, तो क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी ऑफ CH3COONegative प्लस लैम्डा इंफिनिटी Na पॉजिटिव लिख सकता हूं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ये था CH3COONa का, अब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं HCl की, तो कैसे निकाल दूंगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में Cl लगा होगा, Cl नेगेटिव होगा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, हम इसको आयन से ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके सिंपली लिख रहे हैं, ठीक है।
और फिर इनफाइनाइट डाइमेंशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl की बात करूंगा तो क्या होगा, लैम्डा इनफिनिटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफिनिटी पे Cl नेगेटिव। क्या ये हुआ, इन तीनों को इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अब हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस CH3COOH का। तो अगर मैं यहां पर इंफिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH का निकालूं तो क्या होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी एच पॉजिटिव होगा। क्या ये रिएक्शन, ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 4 हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पे एक्स दे रखी है, इसकी वाई दे रखी है और इसकी जेड दे रखी है। तो कुछ इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि जब इन तीनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करें तो वो इसके इक्वल आ जाए। यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं ना, यानी मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सीधे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफिनिटी डायरेक्शन CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट Na पॉजिटिव। फर्स्ट इक्वेशन लिखी, क्या इस इक्वेशन में Na है, नहीं। तो कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें Na हो और उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो Na इसमें इसमें, तो माइनस लैम्डा इंफिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na, ठीक है, प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी पे Cl। क्या ये लिखा, अब जरा ध्यान से देखिए, आपने फर्स्ट इक्वेशन से माइनस किया इसको थर्ड इक्वेशन को, यानी आपने क्या किया, फर्स्ट माइनस थर्ड कर दिया। लेकिन अगर इसको माइनस भी करें तो क्या आपको H मिल रहा है, इक्वल नहीं, एक एडिशन आपको Cl और मिल गया। तो अब क्या करेंगे, Cl को हटाना है, तो पहले इस इक्वेशन को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी पे CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफिनिटी डाइल्यूशन Na पॉजिटिव प्लस, सॉरी ये माइनस है, आपकी क्या है, वो माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा इनफिनिटी इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव। क्या इक्वेशन लिखी, जब देखो एक Na पॉजिटिव भी करने लेंगे कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, लैम्डा इनफिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस, सॉरी माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, Cl नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, CH3COO नेगेटिव तो आपको मिलेगा और H पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दें तो यहां Cl नेगेटिव में यहां पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएगा और H क्या पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आप क्या कर रहा हूं, प्लस इक्वेशन को कर रहा हूं सेकंड, तो प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव क्या रहेगा। तो देखो एक Cl नेगेटिव है, एक Cl पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनली ये इक्वेशन इसके को आ गया, लैम्डा इंफिनिटी CH3COOH प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट H पॉजिटिव, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। और जब इनकी जो वैल्यूज गिवन है उनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CH3COOH निकल आएगा। यानी अगर मैं इसको आगे रिजॉल्व करूं तो इक्वेशन वन की वैल्यू क्या थी, एक्स सेकंड की, फिर थर्ड की क्या थी, जेड, तो माइनस वाई,
सॉरी माइनस जेड, और सेकंड की क्या थी वाई, फिर प्लस वाई, जब एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू वैल्यू गिवन होगी उसका मतलब क्या है, आपने लैम्डा इंफिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन को यूज करके इनफाइनाइट डायलेशन पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या समझ आ रहा है, कैसे करना है? ठीक, नोट कर लीजिए। और सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब किस रेट से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा से प्रूव करते हैं, ये इंफिनिटी नहीं है, अल्फा है याद रखिएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन ऑफ आयंस एट सी कंसंट्रेशन अपॉन डिसोसिएशन ऑफ आयंस एट, ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन जो है आपका उस पे जो आपका मोलर कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का आपका मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी अल्फा अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख सकते हैं, सेम इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे। अब मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं, ये था कापा इनटू 1000 अपॉन एम। और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन तो वो क्या था, कापा इनटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, ये था सी कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस, समझ गए। ये थी आपकी कॉर्पस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और थर्ड एप्लीकेशन है हमारी टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है, k is equal to c alpha square upon 1 minus alpha, where c is concentration of electrolyte, है ना, concentration of electrolyte। ठीक है, और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोरस को भी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ, जिसमें फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे नेशनल इक्वेशन।